वो फिल्म थी जिसमें दोनों की नजदीकियां जग जाहिर हो चुकी थी, लेकिन नाम नहीं मिला इस रिश्ते को, दोस्ती का नाम भी नहीं कि सरेआम आज भी अमिताभ और रेखा एक दूसरे का सामना कर पाएं। तेरे मेरे मिलन की ये रना हो, तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिला। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बाजू। हे बेबी, हाउज इट गोइंग? इट्स फाइन एंड रिफ्रेशिंग। Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभिनय में एक अलग सी कशिश और साथ ही खूबसूरती की मलिका रेखा। जितनी खूबसूरत थी रेखा, उतने ही बोल्ड किरदार में भी उनका जवाब नहीं था। वाकई ये आंखें ही ऐसी हैं कि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने तो होंगे ही, क्योंकि खूबसूरती में रेखा का जवाब नहीं। खूबसूरती के साथ साथ रेखा अपने अभिनय में ताजगी के लिए भी जानी और पहचानी जाती रही हैं। हर भूमिका को पर्दे पर उतनी ही खूबसूरती से जीना तो कोई रेखा से सीखे। आज कल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। रेखा एक ऐसी शख्सियत के तौर पर उभरी जिसे दोनों दर्जा मिला, यानी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का। एक तरफ जहां रेखा अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बना रही थी, वहीं उस सब जैसे बोल्ड किरदार निभाकर वो ये जता रही थी कि वो कुछ भी कर सकती हैं। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका, बेला महकारी महका आधी रात को, मन क्यों बहकारी महका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। वो सभी नहीं बल्कि कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव और आस्था जैसी बोल्ड फिल्में करके रेखा अपने करियर की रेखा बढ़ाती चली गई। आधी रात को जिसने पल की हो, जिसने पल की चुराई आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। 1978 में रेखा फिल्म घर में बलात्कार का दर्द झेलने वाली पीड़िता की भूमिका में नजर आई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है।
बॉलीवुड की वो अभिनेत्री थी जिसने अपने हुस्न और अदाकारी से न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि समय आने पर अपने सेडक्टिव अंदाज से लोगों को अपना कायल भी बनाया। मिट्टी को ढोंग के पानी से ही गूंद कर मालिक ने इंसान बनाया है। यानी ये थी बोल्ड और ब्यूटीफुल रेखा, जो जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा बोल्ड थी। तभी तो रेखा हर भूमिका में हिट और फिट थी। विजया त्रिपाठी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। सुंदरता बेमिसाल रेखा का अंदाज जो आज भी कई अभिनेत्रियों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर ऐसा क्या करती है रेखा जिससे आज भी उनकी खूबसूरती काया का कोई जवाब नहीं। वाकई ये आंखें कुछ कहती हैं। ये आंखें रेखा के आत्मविश्वास को बयां करती हैं। राज है आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। ये आंखें खूबसूरती के साथ रेखा की जिंदा दिली को भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखा जाती हैं। रेखा की खूबसूरती के लिए अल्फाज नहीं, और ये खूबसूरती अब भी उतनी ही है। आज भी रेखा उतनी ही सुंदर नजर आती हैं और साथ ही उतनी ही फिट। उम्र के असुर को 100% मात देती आ रही हैं रेखा साल दर साल। ये सब कुछ शायद उनके नियमित व्यायाम का नतीजा है। उनका फिटनेस रूटीन भी बिल्कुल रेखा की तरह ही खूबसूरत है। नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरो का इसको किसने, आइए तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। उनका वजन ज्यादा नहीं है लेकिन वो फ्री हैंड एक्सरसाइज ज्यादा करती हैं। योगा और कार्डियो के बीच में डांस स्ट्रेच भी उनकी फिटनेस में शामिल है। वैसे कोई नियम बनाकर एक्सरसाइज नहीं करती रेखा, और ऐसी ही जिंदगी है उनकी। पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। अंदर से ही रेखा कितनी खूबसूरत है इसका असर ऊपर से दिखता है। पहली जिंदगानी। थामा हरो का इसको किसने, हाँ ये तो बेदबानी। तो ये थी सदाबहार रेखा के जन्मदिन पर हमारी खास पेशकश। समाचार प्लस की टीम की तरफ से भी रेखा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के बोरिंग पे डेयरिंग का जैकेट चढ़ा के सीने में है चिंगारियां थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते। अच्छा प्लान था, 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल, कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ
क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन, योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन, क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह, देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान, लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज, देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। ये सबसे पहले डालते हैं एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मेरठ से अगवा बीडीएम कंपनी के मालिक सकुशल सनाता के जंगल में मिले, मंगलवार रात अपराधियों ने किया था अपहरण, दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री आजम खान का बीएसपी पर करारा हमला, कहा हत्यारों बलात्कारियों और लुटेरों की पार्टी है बीएसपी, मजबूरी में केंद्र को समर्थन दे रही है मायावती। सहारनपुर के देवबंद में बीजेपी ने की बड़ी रैली, नितिन गडकरी समेत बीजेपी के कई नेता हुए रैली में शामिल, बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को दारुल उलूम ने किया खारिज। गोंडा में राजस्व राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह पर लगा सीएमओ को बंधक बनाकर मारपीट का आरोप, चहेतों को आयुष चिकित्सक ना बनाने से भड़के मंत्री, शासन ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। वाराणसी के बाल सुधार गृह में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, गुस्साए कैदियों ने किया हंगामा, बदायूं में भी संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में 43% वोटिंग, साकेत और राज लक्ष्मी समेत 14 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। सोनिया गांधी पर रामदेव की टिप्पणी से भड़की रेणुका चौधरी, कहा सामने आकर बोले तो बताएंगी रामदेव ने अपनी सूरत देखी है क्या। यूपी पीसीएस परीक्षा के नतीजे घोषित, गाजियाबाद के अरविंद सिंह बने टॉपर, विवेक कुमार मिश्र दूसरे नंबर पर, लड़कियों में ऋतु पुनिया ने मारी बाजी। यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिए जरा बुंदेलखंड दौरे पर गए सूबे के सिंचाई मंत्री की नजर में सूबे में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिए जरा बुंदेलखंड दौरे पर गए सूबे के सिंचाई मंत्री की नजर में सूबे में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया, जब से मायावती गई तब से ही खत्म हो गया गुंडा राज। वो गुंडा राज था जो एडवांस में मुख्यमंत्री खुद 10% पैसा ले लेते थे। तो सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि गुंडा राज पिछली माया सरकार के दौरान था, लेकिन इनकी सरकार में खत्म हो गया है। अब इस दावे की सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं, जरा इन्हें देखिए। ये हैं विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, सूबे के राजस्व राज्य मंत्री हैं ये जनाब, लेकिन जानते हैं इन पर आरोप है कि ये महाशय आधी रात को गोंडा के सीएमओ के घर पहुंचे, उन्हें बंधक बनाकर सीएमओ कार्यालय ले गए, मारपीट और गाली गलौज की, धमकियां दी, यही नहीं जबरन दफ्तर खुलवाकर कई अहम दस्तावेज भी फाड़े। यकीन नहीं तो सुनिए, जो माननीय मंत्री जी हैं